तो जय श्री राम भाइयों, आज आ गए मूवी देखने जिसका नाम है, बहुत लंबा नाम है, औरों में कहाँ दम था। चलिए देखते हैं। और एक मुझे डाउट था, वो मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो गाइस ये मूवी मैंने देखने आने वाला था, लेकिन ट्विटर है जो कि दोस्तों हमेशा सही बताता है, इसका नाम है तरण आदर्श, तो आप भी जानते होंगे, जो मूवी कलेक्शन बताता था हमेशा, तो उन्होंने बताया इस मूवी का जो रेट है ना, उन्होंने 1.5 स्टार दिया और आउटडेटेड लिख दिया। तो ये देख के मैंने ये मूवी आना कैंसिल कर दिया। लेकिन कल मुझे एक रील आया इंस्टाग्राम पे और इस मूवी की जमकर तारीफ हो रही थी, पता नहीं क्या हुआ कैसे नहीं, इसी वजह से मैं इसे देख कर ये मूवी देखने आ गया। मतलब इतनी तारीफ हुई इंस्टाग्राम रील में इस मूवी की कि मैं कह नहीं सकता, वो देख कर मैं शॉक हो गया कि तरण आदर्श ने इसे आउटडेटेड क्यों कहा और इंस्टाग्राम पे ये रील क्यों वायरल हो रहा है जो बता रहा है कि मूवी बहुत अच्छी है। क्योंकि अजय देवगन की मूवी है तो थोड़ा तो सस्पेंस कुछ होगा ही, तो चलिए देखते हैं और आपको बताते हैं कि अजय देवगन की मूवी में क्या सस्पेंस है। चलिए चलते हैं। आज बुधवार है, बारिश बहुत हो रहा है और सारे टिकट्स 99 में आसनसोल सेंट्रल मॉल में अवेलेबल होते हैं, सिने कॉस्मो में, सिर्फ बाइस्कोप वाला में नहीं। तो अगर आप आसनसोल से हो तो सिने कॉस्मो आ सकते हो। चलिए देखते हैं मूवी, और भीड़ तो होने वाला है, इतना मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि मूवी कैसी है और स्टोरी क्या है। देखिए लिफ्ट बंद। ये रहा हमारा मूवी थिएटर वाला फ्लोर। चलिए चलते हैं, देखते हैं कितना भीड़ होता है। उसके बाद तो इस भींगते हुए आ गए मूवी देखने। चलिए टिकट कटाते हैं और देखते हैं भीड़ कितना है। चलिए चलते अंदर। आज ऑनलाइन पेमेंट किए हैं तो कुछ कैशबैक भी मिला, 99 का टिकट और 100 कैशबैक, दिखाऊंगा लास्ट। चलिए 10 मिनट वेट करने को कहा गया है, अभी टाइम नहीं हुआ है, 12:50 का शो है तो 12:35 हुआ है, इसलिए चलिए थोड़ा घूम फिर लेते हैं मॉल में, थोड़ा घुमा लेते हैं। देखिए कहीं ऑडियंस दिख नहीं रही गाइस, पूरा मॉल खाली दिख रहा है। लगता है उस दिन जैसा भीड़ नहीं होगा जैसा फिरा मूवी देखने आए थे बुधवार के दिन, आज तो पूरा मॉल ही खाली लग रहा है, पता नहीं ऑडियंस कहाँ चली गई है, अब देखते हैं। गाइस कहीं पे पोस्टर नहीं लगा हुआ जो मूवी देखने आए हैं, तो कैसे फ़ोटो क्लिक करें कैसे पता नहीं, कैसे थंबनेल बनाएंगे। चलिए उससे कोई छोड़िए, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हम ये मूवी देखने आए हैं। तो 2 सप्ताह पहले मैंने एक ब्लॉग बनाया था, जो ये वाला ब्लॉग था आप ये देख लो, जो सरफिरा मूवी देखने आए थे, उसमें मैंने एक गिव अवे किया था जिसमें मैंने बताया था, टारगेट रखा था 200 लाइक्स का, तो ही मैं गिव अवे करूँगा और चैनल सब्सक्राइब वगैरह वो सब छोड़ दीजिए। लेकिन वो टारगेट ही अचीव नहीं हुआ। उस वीडियो पे 350 से लगभग कुछ ज़्यादा व्यूज़ हैं, 360-370 के बीच में, और मात्र 12 लाइक्स और 17 कमेंट्स, आप ये स्क्रीनशॉट देख लो। तो फिर मैं उसका रिज़ल्ट कैसे अनाउंसमेंट करूँ, अब बोलोगे आप ही के दोस्तों कि आपने गिव अवे किया था लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं बताया। कमेंट तो बहुत सारे आए थे लेकिन उस पर जो मैंने टारगेट रखा था वो हुआ ही नहीं 200 लाइक्स का, तो वो मैं टारगेट इस वीडियो पर रख रहा हूँ। तो इस वीडियो में 200 लाइक्स दे दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो लाइक कर दो, 200 लाइक करना टारगेट है, और एक कमेंट कर दो कि आपको इस मूवी में कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और इंस्टा मुझे फॉलो कर लेना कि वहीं पर रिज़ल्ट अनाउंसमेंट करूँगा। तो ये जो हम मूवी देख रहे हैं उसमें आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और ये वजह स्टोरी है इसका जो लिंक है उसको अपने सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे स्टोरी एज ए स्टोरी 24 आवर्स के लिए शेयर करके मुझे इंस्टा पे स्क्रीनशॉट भेज देना, तो ही आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं, मूवी स्टार्ट होने वाला है, अभी 5 मिनट टाइम है और हो गया। चलिए चलते हैं अंदर। उतनी ऑडियंस आई नहीं है जितनी एक्सपेक्ट किए थे हम, मतलब बहुत कम, गिने चुने ऑडियंस, मुश्किल से 20 लोग होंगे तो होंगे, वरना उससे भी कम ही। प्यार में नींद क्यों उड़ जाती है? क्योंकि लोग प्यार में इंसान से उल्लू बन जाता है। लो आ गया आज का फ्रेश स्टॉक, सुरती गैंग का चिकना मर्डर करके आया है, नीचे देख।
अभी इंटरवल हुआ है, इंटरवल तक स्टोरी इतना मज़ा नहीं आ रहा है, सिंपल सी स्टोरी है, लव स्टोरी। इंटरवल का जो क्लाइमेक्स होगा ना उसके में पता चलेगा स्टोरी क्या है। अभी तक तो स्टोरी मतलब सिंपल ही है एकदम, इसमें लग रहा है कि दोनों प्यार करते हैं, दोनों मिलते नहीं, बस यही समझ में आ रहा। उतना भी मज़ा नहीं आ रहा और उतना ही बोर नहीं लग रहा, और ख़ासकर आप कपल के साथ आओगे तो आपको बोर फील नहीं होगा, क्योंकि रोमांटिक रोमांटिक सीन बहुत ज़्यादा है। बस ये कहूँगा आओगे तो कपल के साथ आना, सिंगल आओगे तो थोड़ा बोर हो जाओगे, जैसे मैं बोर हो रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्लाइमेक्स में क्या होता है और स्टोरी का फाइनल। वैसे अजय देवगन की मूवी है तो कुछ तो सस्पेंस या फिर कुछ लास्ट में ऐसा जरूर बताएगा जिसे देख कर ऑडियंस थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाएगी, बोलते हैं ना शॉक्ड होना, तो वैसे ही होगा, क्योंकि रील्स में बताया था कि स्टोरी अच्छी है। क्या ये फाइनल लास्ट में पता चलेगा कि स्टोरी क्या है, कैसे मर्डर हुआ था दोनों का, क्यों मर्डर हुआ था दोनों का, चलिए देखते हैं। ब्लॉग में आगे बने रहिएगा, चलिए अंदर चलते हैं। कृष्णा 12 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी तो कल तुमसे मिल नहीं पाएंगे। पूछो आप दिन में यहाँ अंदर काला चश्मा लगा के क्यों बैठे? मुझे क्या लगता है? मुझे तो लगता है आपकी पट्टी बड़ी है। चलिए चलते हैं नीचे और आपको पूरा स्टोरी बताते हैं, रिवील करते हैं अजय देवगन क्यों जेल गया था। तो भाई साहब मूवी तो देख लिया पूरा, और आपको बताते हैं स्टोरी क्या है और अजय देवगन क्यों जेल गया था। एक्चुअल में हुआ क्या था ना, अजय देवगन जो को 25 साल का सजा हुआ था उसने दो मर्डर कर दिया था, लेकिन ये स्टोरी नहीं है, बार बार ये स्टोरी रिपीट दिखाई जाती है, लेकिन लास्ट में रिवील होता है कि जो हीरोइन है तब्बू, जो स्टार्टिंग में जवानी में कोई और थी, उससे मर्डर हो जाता है गलती से, उसका इल्ज़ाम अपने सर पर अजय देवगन ले लेता है, उसी का जो सज़ा है 25 साल के लिए देवगन सज़ा काटता है। पूरी स्टोरी यही है। मूवी बोलूँ एक वर्ड में तो ठीक ठाक है, उतनी भी अच्छी नहीं उतनी भी ख़राब नहीं, वन टाइम वॉचेबल है। हाँ इमोशनल स्टोरी है पूरा, एकदम रुलाने वाला, एकदम फील एकदम ऐसा आता है। बस यही कहूँगा कि आओ देखो अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं कि बोलोगे ख़राब लगेगा, बस आओ देखो इन्जॉय करो, कपल के साथ आना। और हाँ जो गिव अवे वाला बताया था टारगेट पूरा करना, 200 लाइक्स, लाइक के बाद कमेंट शेयर, एक कौन सा पार्ट अच्छा लगा ये बताना, और
इंस्टा पे फॉलो स्टोरी 24 घंटे के लिए, तभी विनर बनोगे। एक मूवी टिकट दूंगा जो विनर होगा। चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।